क्रिकेट भले ही जन्मा इंग्लैंड में हो, लेकिन असल दीवानगी एशिया में है और सबसे ज्यादा दीवानगी तो भारत और पाकिस्तान में है। लेकिन क्या हो जब ये खेल जुर्म बन जाए? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पोर्ट फिक्सिंग की। पाकिस्तानी ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक ने उनकी टीम के खिलाड़ियों के मैच फिक्सिंग करने की पूरी कहानी से पर्दा उठाया है। आपको याद दिला दें कि साल 2011 में इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तानी तीन खिलाड़ियों का नाम इस अपराध से जुड़ा था। रज्जाक ने एक टीवी शो के दौरान इस बात का खुलासा किया कि 2011 इंग्लैंड दौरे से पहले ही सलमान बट इस अपराध से जुड़े थे, लेकिन मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ का नाम इंग्लैंड दौरे के दौरान आया था। रज्जाक ने यह भी कहा कि वो उस वक्त के कप्तान शाहिद अफरीदी के साथ थे और वो अफरीदी को आमिर के रूम की तरफ ले गए। फिर अफरीदी ने उन्हें रूम से बाहर जाने को कहा। कुछ सेकंड बाद थप्पड़ की आवाज़ आई, जिसके बाद मोहम्मद आमिर ने स्पॉट फिक्सिंग वाली बात को कबूल किया था। उन्होंने बट के बारे में भी बताया कि उन्हें शक था कि बट जानबूझकर आउट हो रहा था। ये बात उन्होंने अफरीदी को भी कही थी, मगर अफरीदी ने कहा ये मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वेस्टइंडीज में जब हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो मैं उसके साथ बल्लेबाजी कर रहा था, तब मैंने उसको सिंगल लेकर स्ट्राइक देने के लिए कहा, लेकिन उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। फिर जब मैंने गुस्से से उसको मुझको स्ट्राइक देने के लिए कहा तो उसने दो या तीन बोले खेलकर मुझे स्ट्राइक दी, जिससे काफ़ी प्रेशर पहले ही बढ़ चुका था और मैं आउट हो गया। साल 2011 में तीनों खिलाड़ियों पर 5 साल का बैन लगा था, जो अब तीनों खिलाड़ियों ने पूरा कर लिया है। तीनों ने खेल में वापसी भी की है, लेकिन सिर्फ मोहम्मद आमिर को ही पाकिस्तान टीम में जगह मिली है। रज़ाक ने ये भी कहा कि पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम मैनेजमेंट से बात ना करते हुए आईसीसी से अपनी सफाई पेश की, जबकि पीसीबी को चाहिए था कि टीम मैनेजमेंट से बात करते और तीनों खिलाड़ी को घर वापस भेज देते, लेकिन पीसीबी ने ऐसा नहीं किया। खैर, मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान के लिए शानदार वापसी की है और वो वर्ल्ड कप 2019 में भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। मेरा नाम है जिब्रान और आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्रिल। स्पोर्ट्स से जुड़ी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।